सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पराक्रम का महापर्व है, कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए हैं। द्रास से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, और इसी जगह पर राष्ट्रपति के भी पहुंचने का कार्यक्रम था सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत को आप देख रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहां पर एक बाइक रैली भी निकाली जानी है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देश के वीर जवानों की शहादत को याद करने का, उनकी कुर्बानी को याद करने का आज दिन है, और इस दिन को 26 जुलाई को भव्य स्तर पर पूरे देश भर में मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था दिल्ली के वॉर मेमोरियल की तस्वीर, जहां रक्षा मंत्री पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि द्रास से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल की, यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत शहीदों को याद करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ एक बाइक रैली भी निकाले जाने का कार्यक्रम है। उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जो खुद भी कारगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार के विजेता हैं, उन्हीं की अगुवानी में ये बाइक रैली निकाली जाएगी। द्रास में वॉर मेमोरियल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, और ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। इससे पहले लद्दाख के सांसद भी पहुंचे थे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लद्दाख में द्रास में ये वॉर मेमोरियल है, जहां एक बाइक रैली निकाली जाएगी। और श्रीनगर के ही गुलमर्ग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कारगिल में सीडीएस रावत मौजूद हैं, तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली में कुछ देर पहले तीनों सेना प्रमुख, जल थल वायु सेना प्रमुख, कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करने पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है कारगिल विजय दिवस के मौके पर, जवानों की शौर्य गाथा को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए शहीद जवानों की शहादत को याद कर रहे थे और उनकी वीरता को सलाम कर रहे थे। और ये तस्वीरें द्रास के वॉर मेमोरियल से लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कई कार्यक्रम होने हैं, बाइक रैली भी निकाली जानी है। 60 दिनों तक कारगिल का युद्ध चला था 1999 में, जिसमें पाकिस्तान को पटखनी दी थी, पाकिस्तान को धूल चटाई थी भारतीय सैनिकों ने। किसी ने सोचा नहीं था कि यूं अचानक से पाकिस्तान की सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश होगी, यहां तक कि आतंकवादियों को भी घुसपैठ कराने की कोशिश की गई थी। और जैसे ही खबर मिली, बिना किसी तैयारी के मुस्तैदी से भारतीय जवानों ने डट करके मुकाबला किया। 60 दिनों तक ये पूरा युद्ध चला और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।